हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, प्रोफेशनल और परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख लेना या विजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख लेना काफ़ी है क्या? तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली कमेंट करके भी पूछे हैं, और जो वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसके कमेंट बॉक्स में भी सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज के टाइम की जो रियलिटी है वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सफ़र की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा सीखना चाहिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम उसके करियर में आती है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या अकाउंट्स का कोई भी आप कोर्स सीख रहे हो या आप कोर्स सीख के अकाउंटिंग टैक्सेशन फील्ड में अपना करियर है बनाना चाहते हो तो इस वीडियो का पूरा अगर आप देखोगे तो सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, मोटिवेशन लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन सवाल का जवाब हम दे देते हैं भी जो या जिनके माइंड में ये बात चलती है भी टेली सॉफ्टवेयर सीख लेने से या बीजी जैसे सॉफ्टवेयर को सीख लेने से 3 महीने का कोर्स, 4 महीने का कोर्स करने के बाद वो किसी कंपनी में अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या उनको जॉब मिल जाएगी? तो दोस्तों, अब कंडीशन ये आती है, शर्त ये रहती है कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर सीखा है, चाहे टेली सॉफ्टवेयर सीखा है चाहे बीजी सॉफ्टवेयर सीखा है, उसको सीखने का तरीका आपका क्या रहा है। अब मान लीजिए आपके पास केवल सॉफ्टवेयर सीखने का एक्सपीरियंस है, यानी कि आप उसके फीचर्स के बारे में जानते हो, लेकिन आपने उसमें जब भी आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने वो सॉफ्टवेयर सीख रहे थे तो आपने उस पर प्रैक्टिकल तरीके से आपने नहीं सीखा। प्रैक्टिकल तरीके का मीन्स यानी कि आपने किसी कंपनी के रियल वाउचर के साथ आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस आपने करके नहीं देखी, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है सॉफ्टवेयर सीखने का। तो आप जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो भाई वहाँ से आपको प्रैक्टिकल बातें पूछी जाएगी सॉफ्टवेयर में, या तो आपको कुछ बाई फेस पूछ ली जाएगी या सॉफ्टवेयर से आपको कुछ वाउचर दे दी जाएंगे कि आप हमें इनकी एंट्री करके दिखाओ, तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। तो यानी कि अगर आपके पास केवल सॉफ्टवेयर सीखने का ही एक्सपीरियंस है, आपके पास उसमें प्रैक्टिस आपने नहीं करी है बिजनेस की रियल प्रैक्टिकल वाउचर के साथ, तो बहुत मुश्किल का काम है। अब रही बात भी क्या टेली सॉफ्टवेयर और बीजी सॉफ्टवेयर ही काफ़ी है अकाउंटेंट बनने के लिए? तो दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां तो बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है। आपको हर कंपनी में एक नए से अलग से अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। हालांकि टेली और बीजी अकाउंटिंग जैसे सॉफ्टवेयर है ये सबसे पुराने सॉफ्टवेयर है, तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये रहता है भी चलो यार मैं टेली सॉफ्टवेयर का कोर्स सीख लेता हूँ या मैं बीजी जैसे सॉफ्टवेयर को सीख लूँ तो मुझे अकाउंट्स की जॉब मिल जाएगी और मैं अपना करियर है तो इस लाइन में बना सकता हूँ। तो दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर और बीजी सॉफ्टवेयर सबसे पुराने सॉफ्टवेयर है, इसलिए हर एक माइंड के दिमाग में ये रहता है कि हम टेली सॉफ्टवेयर ही सीखना है। और ये इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंपनी है वो टेली सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करती है, लेकिन सभी नहीं करती, ये बात भी 100% सच है। बहुत सारी कंपनियाँ टेली सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, बहुत सारी बीजी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती है, और इसके अलावा लाखों की संख्या में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो तैयार करवा लेती है, लेकिन उसकी जो इंटरनल बेसिस जो कहानी है वो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बिल्कुल सेम होती है। तो आपको केवल टेली या बीजी जैसे सॉफ्टवेयर के पीछे आपको नहीं जाना है, हमें टेली सॉफ्टवेयर ही सीखना है। तो अब रही बात भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए अगर वो इस लाइन में इस मतलब अपना करियर है जो बिल्ड अगर करना चाहता है। तो दोस्तों, मैं कई बार इस पे ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और जो वीडियो मैं ऑलरेडी हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता हूँ उसमें भी बीच बीच में मैं ये सारी बातें आपको बताता रहता हूँ भी जब भी अगर आप शुरुआत करो सॉफ्टवेयर सीखने की तो उससे पहले आपको मैनुअल अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैनुअल अकाउंट्स का नॉलेज अपने पास में नहीं रखोगे ना तो सॉफ्टवेयर में केवल आपको इतना ही नॉलेज मिलेगा भी आप मान लीजिए जैसे टेली सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो तो उसमें आपको केवल इतना ही नॉलेज मिलेगा कि आप F8 प्रेस करोगे तो सेल वाउचर आपके सामने होगा, F9 अगर आप प्रेस करोगे तो परचेज वाउचर आपके सामने आ जाएगा, इसी तरीके से F4 से कॉन्ट्रा, F7 से जनरल वाउचर, F5 से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के वाउचर आपके सामने आ जाएगी।
लेकिन उन वाउचर्स को प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से यूज किया जाता है, अगर इसका एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं है ना, तो आपका टेली सॉफ्टवेयर या बिजी सॉफ्टवेयर सीखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे जॉब के लिए, अब आपको नहीं पता भी सामने वाला बंदा आपसे क्या कुछ पूछ ले। ये बातें भी जिस कंपनी में भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ से बातें आपको सारी प्रैक्टिकल तरीके से ही पूछी जाएगी, यानी कि जो रियल बिजनेस में जो बातें यूज होती है रियल में, वही आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जैसी बात है रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो कहने का मतलब ये हो गया भी आप जो भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, अब आप मान लीजिए शुरुआत आपने टेली सॉफ्टवेयर से करी है, तो आप अगर आपने टेली सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से सीख लिया, प्रैक्टिकल तरीके से सीख लिया, यानी प्रैक्टिकल सीखने का मतलब भी आपने रियल बिजनेस की रियल प्रैक्टिकल वाउचर से आपने प्रैक्टिस करी है ओरिजिनल बिल के साथ, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल है, चाहे वो पेमेंट है, रिसिप्ट है, डेबिट नोट है, खर्चों के रिकॉर्ड है, इनकम के रिकॉर्ड है, अगर आपको रिकॉर्ड्स पहचानने का आप में मतलब वो है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके अंदर हर वाउचर को रिकॉर्ड को पहचानने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए भी ये जो रिकॉर्ड मेरे सामने, यानी कि ये जो पेपर मेरे सामने है, इसका एक रिकॉर्ड है जो किस तरीके से मेंटेन होना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वो रिकॉर्ड देखा ही नहीं है, आपने कोई बुक से सॉफ्टवेयर को सीख लिया या किसी के बने बनाए नोट से आपने सॉफ्टवेयर को सीख लिया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे भी अगर हम सीखेंगे तो बिल्कुल नोट्स के थ्रू सीखेंगे, तो एक्सपीरियंस हम कहाँ से लेंगे? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है उसके इंस्टीट्यूट पे, और ये बात भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भी आप जिस इंस्टीट्यूट से भी आप सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, यानी कि जो अकाउंट से रिलेटेड जो आप कोर्स कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान में होना चाहिए भी जिस ट्यूटर से आप जो अकाउंट का कोर्स आप सीख रहे हो, उसके खुद के पास अकाउंटिंग वर्क करने का एक्सपीरियंस कितने टाइम का है। अब मान लीजिए उसके पास खुद तो अकाउंटिंग वर्क उसको आता नहीं है, अगर वो आपको अकाउंटिंग वो फिर क्या आपको सिखाएगा? यानी कि आपको तो ये बुक्स नॉलेज ही देगा, क्योंकि जो फ्रेशर होता है, जो फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आना चाहता है, उसको कुछ नहीं पता होता भी मैं मुझे क्या सीखना चाहिए और मैं क्या सीख रहा हूँ। अब उसको पता तब चलता है जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके हाथ में सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और जब वो किसी कंपनी में किसी शॉप पे जॉब के लिए अप्लाई करता है, और वहाँ से जब उसे प्रैक्टिकल बातें पूछी जाती है, तब वो सोचता है ये बातें तो मुझसे कभी इंस्टीट्यूट में मुझे सिखाई नहीं गई, या ये वाउचर तो मैंने कभी लाइफ में देखे नहीं है भी अकाउंटिंग रियल में इस तरीके से करी जाती है। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है। अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं भी हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है, हमारे पास घर पे सिस्टम है, लैपटॉप है, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करें? तो दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई भी आपका कोई दुकानदार जाने वाला होगा, चाहे वो मेडिकल शॉप हो, चाहे आप किसी किराना की शॉप हो, चाहे कोई जनरल स्टोर हो, तो वहाँ से आप उनसे बिल ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर दुकानदार होगा तो उसके पास जैसी बात है वो सारा काम है जो इनवॉइस के थ्रू करते हैं, तो आप उनसे इनवॉइस मांग के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी फोटोकॉपी करा के भी आप अपने पास रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी आपको देखो जो जानकार होगा वही देखा, हर एक आदमी आपको कोई इस तरीके से वाउचर है जो प्रोवाइड नहीं करवाता, तो आप अगर जानकार है आपके मेडिकल वाला, जनरल स्टोर वाला, किराने वाला, तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हो भी आपके पास यार जो आप सामान परचेस करते हो उसके इनवॉइस अगर आपके पास आते हैं तो आप प्लीज़ हमें दे दीजिए, हम उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट से आपने मान लीजिए सॉफ्टवेयर सीखा है, अकाउंट्स का कोर्स सीखा है, और वहाँ पर आपको 100% सारी प्रैक्टिकल बातें ही बताई गई है, यानी कि ए टू जेड जितना भी है जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जो यूज होता है वही आपको बताया, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो 100% कोई आदमी नहीं हो सकता, ये बात सच है। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, और वहाँ से इंटरव्यूअर ने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, और 10 में से मान लीजिए आपने 7 के जवाब दे दिए, तो उसको भी लगेगा भाई चलो ठीक है यार इस बंदे को नॉलेज तो है। मान लीजिए बंदा 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब आपने मात्र 1 का दिए, और वही भी आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दिया भी वो सही है या गलत है, तो अब जैसे ही बता भी आप खुद बता सकते हो भी आप जॉब के लायक हो या नहीं हो, क्योंकि तब आपको पता चलेगा भी जो आपने सीखा है वो आपने किस तरीके से सीखा है और आपने क्या क्या बातें वहाँ से आपसे पूछी गई। क्योंकि एक सीखना और कहीं पर अकाउंट का वर्क करना दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए मैं कई बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हर वीडियो में भी करता रहता हूँ भी आप जहाँ पर भी सीखो, जिस इंस्टीट्यूट से भी सीखो, प्रैक्टिकल तरीके से सीखो। अगर आपके पास प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं भी कंपनी में अकाउंट्स वर्क में करना क्या होता है, तो दोस्तों अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत काफ़ी सारे काम होते हैं। अब मान लीजिए
आप बिल्कुल फ्रेशर हो दोस्तों। एक फ्रेशर होना और एक नया बंदा होना दोनों में डिफरेंस है। फ्रेशर का मतलब कि आपके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, आपने रियल बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी आपने उसमें सॉफ्टवेयर में करके देखी है, लेकिन आपने रियल में किसी कंपनी की अकाउंटिंग या किसी शॉप की अकाउंटिंग आपने मेंटेन नहीं करी। और एक बिल्कुल नया मतलब उसको सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा बहुत नॉलेज है और प्रैक्टिस तो उसने बिल्कुल कहीं भी नहीं करी, ना तो उसने सॉफ्टवेयर को सीखते वक्त करी और ना उसके पास किसी कंपनी में या किसी दुकान पे अकाउंटिंग वर्क करने का एक्सपीरियंस है, तो वो बिल्कुल ही फ्रेशर है। तो उसको तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो भी कंपनी रिक्वायरमेंट करती है ना वो ज़्यादातर एक एक्सपीरियंस वाले को ही करती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी की मजबूरी है उसको अर्जेंट में कोई अकाउंटेंट हायर करना है, पर तो वो भी वही देखे भी कम से कम बंदे को 60-70% नॉलेज होना जरूरी है। यानी कि आपके पास 70-80% नॉलेज है अकाउंट से रिलेटेड तो 20-30% आपकी कोई भी हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास नॉलेज ही 10% का है तो आज के टाइम में भैया 90% हेल्प कोई नहीं करता, ये आज की रियलिटी है। तब हम बात कर रहे थे भी एक अकाउंटेंट को कंपनी में अकाउंटिंग का वर्क में करना क्या कुछ होता है। तो दोस्तों अकाउंटिंग वर्क में जो रूटीन की जो बेसिक वाउचर है जैसे कि परचेज है, सेल है, पेमेंट रिसिप्ट होगी, बैंकिंग से रिपोर्ट संबंधित होगी, रिसिप्ट के होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो ये एक बेसिक वाउचर है जो रूटीन में हर कंपनी में हर दुकान पे अमूमन चलते रहते हैं। तो उसके बाद बात आती है टैक्सेशन की। अब टैक्सेशन में मतलब भी आपके मंथ हो के कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको जीएसटी रिटर्न भी तैयार करनी होती है। तो दोस्तों अब कोई कहता है भी हमें तो जीएसटी रिटर्न कभी फाइल करी नहीं है, तो दोस्तों देखो जो फर्स्ट टाइम जाएगा किसी ने कोई जीएसटी फाइल करके नहीं कोई नहीं जाता, केवल उसने सीखा होता है। अब सीखने का तरीका भी आपने हमें दो बता दिया भी, या तो आपने बुक्स के तरीके से सीखा हो या आपने प्रैक्टिकल तरीके से सीखा हो। तो दोस्तों प्रैक्टिकल का मतलब भी आपने जीएसटी के संबंधित आपको पता होना चाहिए भी जीएसटी आर वन क्या चीज़ है। अब जीएसटी आर वन क्या चीज़ है तो जीएसटी आर वन के अंडर में जो बातें आती है भी जैसे कि बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, बी टू सू स्मॉल क्या होता है, बी टू सी लार्ज क्या होता है, अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है, एचएसएन समरी किस तरीके से तैयार होती है, डॉक्यूमेंट समरी किस तरीके से तैयार करते हैं, यानी कि इसका नॉलेज आपके पास है, आप बी टू बी को पहचानते हो भी बी टू बी होता क्या है, बी टू सी क्या होता है, इसको आप अच्छी तरीके से पहचानते हो तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपने जीएसटी आर वन का नाम ही नहीं सुना तो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो अब ये मान लीजिए हो सकता है आपको शुरुआत के दिनों में ये जीएसटी का रिटर्न या मतलब जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड टैक्सेशन का जो वर्क होता है शुरुआती के दिनों में आपसे नया करवा जाए, लेकिन अकाउंट्स का नॉलेज और आपको टैक्सेशन का नॉलेज बेसिक बातें उनके बारे में जान होना बहुत ही जरूरी है। अब जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो 3B के अंदर रिकॉर्ड में देना क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए TDS के बारे में, TCS के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं भी ये चीज़ें मैं तो सॉफ्टवेयर से जब हमने सीख रहा था तो ये बातें हमें सिखाई नहीं गई। तो दोस्तों आप इसके बारे में आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए भी अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क क्या क्या होता है, तो ये आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप किसी यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन आपके पास नॉलेज होना जरूरी है अगर आप इस लाइन के अंदर लंबे समय तक ग्रो करना चाहते हो तो, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कंपनी है तो इतना ज़्यादा कोई उसका बेनिफिट नहीं है भी। अगर आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है और आधा अधूरा ज्ञान आप कहीं से ले लो तो आपके पास 80-85% 70% नॉलेज कहने का मतलब आपके पास होना चाहिए। तो ये है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की शुरुआत। अब हो सकता है आपको जॉब के टाइम में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है, शुरुआत के दिनों में हो सकता है आपकी सैलरी लो, क्योंकि कंपनी क्या करती है आपको किसी जानकारी की वजह से हायर तो कर लेती है लेकिन आपको उतना सैलरी नहीं दे पाती जितना आप सोच के जाते हो, तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना होता है। लेकिन आपको अगर एक बार जॉब आपकी लग जाती है ना तो वहाँ पर आपको टिके रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सैलरी की वजह से अगर आप बारी बारी आप जॉब छोड़ रहे हो तो आप अपनी मार्केट में जो इमेज डाउन कर लोगे, तो ये भी आप बहुत मोटा एक अपॉर्चुनिटी होता है भी आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपको टिके रहना पड़ेगा। शुरुआत के दिनों में संघर्ष करना पड़ता है, हर अकाउंटेंट करता है भाई, आप अकेले नहीं करते, हर कोई करता है। शुरुआत के दिनों में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, मिल जाए तो उसको कंटिन्यू मेंटेन करना बहुत मुश्किल का काम होता है। अगर ये सब कुछ जो बंदा कर लेता है उसके आगे कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे भी टेली सॉफ्टवेयर कैसे भी सीखो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखो, प्रैक्टिकल तरीके से सीखो, मैनुअल अकाउंट्स के साथ सीखो, तभी आपको अकाउंटेंट बनने का फायदा है, तो भी आप इस फील्ड में जो लंबे टाइम है तो टिके रह सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।